नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र दया आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज अपन आरएएस में जो पिछली परीक्षाओं में जो सवाल पूछे गए गणित से रिलेटेड, उसको अपन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो आरएएस के अंदर जो गणित के सवाल पूछे जाते हैं, वो सवाल थोड़े अच्छे सवाल होते हैं, इतने ईजी सवाल नहीं होते हैं। उनके अंदर कंसेप्ट लगता है और ये बहुत मायने रखता है। एक आरएएस जो एग्ज़ाम दे रहा है, उसके लिए बहुत मायने रखता है कि उसके गणित के सवाल भी राइट हो। तो क्योंकि आपका जीके, राजस्थान जीके बहुत अच्छा होता है, और अगर आपके गणित के सवाल राइट हो जाए तो बहुत अच्छी बात बन जाती है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 10 क्वेश्चन जो पिछले परीक्षा में पूछे गए, किस तरीके से इनका पैटर्न सेम रहता है। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मेरी ट्रिक समझ में आई हो, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसी 4-5 वीडियो और लेकर आ जाऊँगा आपके आरएएस के एग्ज़ाम से पहले, जो कि 5 अगस्त को होने वाला है। ठीक है, तो उसमें से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अभी फिलहाल मैं 10 क्वेश्चन करता हूँ जो मुझे अच्छा लगे है कि ये क्वेश्चन वाकई में आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ दोस्तों। तो किस तरीके से ये सवाल हल किए जाएंगे, क्योंकि इसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन अटेंड करते हैं। उससे पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन का जब आपको बताता हूँ, सबसे पहले कंसेप्ट क्या है। दोस्तों एक चीज़ मुझे बताओ, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर यहाँ पर 81-64 है, ठीक है, तो 81 का रूट कितना होता है? 9, और 64 का रूट कितना होता है? 8। अंतर कितना है दोस्तों? 1। और मैं दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूँ, 64-49। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8। यहाँ वर्गमूल कितना? 7। अभी भी अंतर कितना है? 1। लेकिन एक चीज़ नोटिस कीजिए, इस 64 और 49 में अंतर कितना है? इनमें अंतर है 15 का, जबकि यहाँ 81 और 64 में अंतर कितना है? 17 का है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखो, ये दोनों अंतर बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को अगर अंतर 15 लाना लाना है, इस वाले का अंतर अगर मुझे 15 लाना है, तो मुझे इसको कम करना पड़ेगा। तो मैं जैसे इसको कम करूँगा, तो मेरा मान जो 1 आ रहा था, वो अब 1 में आकर क्या होगा? थोड़ा कम आएगा, मतलब मान लो 0.9 आएगा। इसका मतलब एक कंसेप्ट अपन को सीखने को मिला कि जितना नंबर छोटा होगा, जितना नंबर छोटा होगा, समान अंतर होगा, तो छोटा वाला नंबर क्या होगा? अधिकतम होगा। मतलब कहने का मतलब है कि अनरूट 37-29 जो होगा वो आपका बड़ा होगा, सबसे बड़ा नंबर जो भी दिया हुआ आपको। हाँ, मतलब ये वाला नंबर जो होगा ये सबसे बड़ा होगा। इस कंसेप्ट को आप अच्छी तरह समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आपको सोचना है। इसी के साथ में दोस्तों मैं एक जो चीज़ और बता देता हूँ आपको, एक आती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, रिमाइंडर थ्योरम। इसके भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं, तो मैं आपको बहुत सी ट्रिक बताता हूँ रिमाइंडर थ्योरम की कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया अभी, अधीनस्थ वाले के 2 की घात 31 को अगर 5 से विभाजित करें तो शेषफल कितना बचेगा? इस टाइप के सवाल अपने पूछे जाते हैं। तो किस तरीके से करना दोस्तों, सिंपल सा। देखो आप क्या करोगे, आप एक चीज़ याद रखो, इसको आप 2 की घात 4 में तोड़ दो, और 2 की घात 4 कितना बार आएगा? तो 2 की घात 4 आएगा 7 बार, पीछे बच जाएगा 2 की घात 28। तो ये हो गया 28 में से 3 का बच गया, ये अभी 5, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 16, 16 की घात 7, और ये आपका हो गया 8, ये 5। अब देखो 5 का 16 में भाग दोगे, शेषफल हमेशा क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 1 1 1 की घात 7, 1 ही होता है। अब 5 का 8 में भाग दोगे तो कितना बचेगा? 5 एक 5, पीछे कितना बच गया? 3। दोस्तों इसका मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये मैं मतलब ये तो इस क्वेश्चन में मैं बता दिया कि भाई इस टाइप क्वेश्चन आया तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों अपन इस तरीके से कर गए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कि आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि 5 की घात 41 × 7 की घात 63 × 3 की घात 57, आपको पूछा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा या प्रथम अंक क्या होगा। दोस्तों ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से करिएगा। मैं बता देता हूँ दोस्तों करना क्या है, सिंपल से आप एक बार बताइए, 5 की घात 1 करने पर कितना आता है? 5 आता है। 5 की घात 2 करने पर कितना आता है? 25 आता है। 5 की घात 3 करने पर कितना आता है? 125। इसका मतलब आप देख रहे हो कि 5 के अंदर कुछ भी कर लो, इसका प्रथम अंक क्या आएगा? हमेशा 5 आएगा। तो आप ऐसे बोल सकते हो इसका तो सब क्या होगा? 5 आएगा। ठीक है, अब 7 की बात करते हैं। तो 7 की घात 1 कितना दोस्तों? 7। 7 की घात 2 कितना होता है? 49। लेकिन अपन को प्रथम अंक से मतलब है, 7 की घात 3 होता है 343। ठीक है, और 7 की घात 4 कुछ भी होता होगा, लेकिन यहाँ इसका 1 ही आता है। अब 7 की घात 5 करोगे तो वापस 7 आएगा, 6 करने पर 9 आएगा, 7 करने पर 3 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका एक राउंड चलता है। देखो पहले 7 आएगा, फिर प्रथम अंक 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 आएगा। इसका मतलब इसका 4-4 का क्या होता है? साइकिल होता है, 4-4 का साइकिल होता है। तो आप सिंपल से देखते हो, तो 7 की घात 63 है, तो देखो इसके अंदर 63 के अंदर 4 का भाग दे दो आप, तो कितनी बार जाएगा? पूरा चल जाएगा। पीछे शेषफल कितना बच गया? 3 बच गया। 3 का मतलब हुआ 7 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 3
तीन आएगा, इसका मतलब इसका कितना बच गया, इसका बचेगा तीन। मेरी बात क्लियर होगी होगी आपको? ठीक है, अब तीन का देखते हैं दोस्तों, तीन की घात 57 का कितना आता है। तो तीन का भी बना देते हैं कि तीन की घात एक तीन होता है, तीन की घात दो कितना होता है नौ होता है, तीन की घात तीन कितना होता है 27 मतलब 7 आएगा, तीन की घात चार मतलब 81 एक आएगा, तीन की घात पाँच करने में वापस क्या आएगा तीन आएगा, और तीन की घात छः मतलब जितनी बार गुणा करोगे तीन की घात छः वापस आएगा नौ आएगा। इसके अंदर भी क्या हो रहा है, चार चार का रिपीट हो रहा है। तो पहला आया, पहले देखो तीन आया, फिर आया नौ आया, फिर आया सात आया और फिर एक आया। तो इसको आप पकड़ लीजिए, देखो 57 है, 57 चार का पहाड़ा बोलिए तो 56 बार जाता है मेरे ख्याल से। ठीक है, 56 बार चला गया, पीछे कितनी बचा एक बार बचा तो तीन, तो इसका मतलब क्या, पाँच थी 15, 15 थी 45, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5। क्लियर दोस्तों? ये दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो मैं इस तरीके से आपको एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, देखो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने जैसे बताया कि मैं आपको इन क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट बता रहा हूँ। जैसे सपोज दोस्तों आपके सामने आ जाएगा 6 की घात 23 इंटू आपको पूछ ले 9 की घात 18 आपको पूछ ले कितना बचेगा। तो वो 6 ऐसा नंबर है कि 6 और 5 ऐसा नंबर है जिसकी घात आप कुछ भी कर लो हमेशा 6 ही आएगा, ध्यान रखना 6 की घात 1 6 ही होता है, 6 की घात 2 के अंदर भी 6 ही आएगा, ध्यान रखना। तो इसका तो आंसर सीधा 6 आ गया। अब 9 में देखिए दोस्तों, 9 की घात 1 9 होता है, 9 की घात 2 81 होता है, 9 की घात 3 729 होता है। तो इसके अंदर देखो पहला 9 आया, फिर 1 आया, फिर 9 आया, फिर 1 आया, तो देखो इसमें दो दो को चलता है। तो देखो 18 है, तो पहले 9 की घात 1 होता तो 9 आता, फिर सम संख्या में देखो विषम संख्या में 9 आ रहा है, सम संख्या में 1 आ रहा है, तो यहाँ पर क्या सम संख्या है ना, तो ये एक बार आएगा, तो 6 इंटू 1 आंसर कितना आ गया 6 आ गया। तो आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है दोस्तों? बने रहिए मेरे साथ में दोस्तों, देखो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इन क्वेश्चन का। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको कैसा वीडियो लगा, और अगर आपको वीडियो इसकी और वीडियो चाहिए मतलब इस टाइप क्वेश्चन की और वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगा, उसमें से एक भी क्वेश्चन बने जाएगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 60 लीटर का मिश्रण है, और आपको दिया हुआ है यहाँ पर दूध ले लेते हैं मिल्क और यहाँ वाटर ले लेते हैं, तो इनका क्या अनुपात दिया हुआ है 5:3। बहुत सिंपल है दोस्तों, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ 8, 8 का भाग इसमें दे दो 60/8, तो कितना आ गया दोस्तों 8 × 7 = 56, 7.5 लीटर। अब 7.5 आ गया, 7.5 को इससे गुणा कर दो एक बार, तो कितना आ जाएगा 7.5 को करेंगे तो 15 15 30 37.5, ये तो 37.5 हो गया। अच्छा इसको गुणा करोगे कितना आएगा भाई, 7 × 21 और ये आ जाएगा आपका 22.5। इसका मतलब इतना मिल्क है इतना। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अपन को बोल रहा है कि भाई यदि इसका अनुपात 1:2 करना है तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा क्या होगी। तो भाई अपन को पानी मिलाना है इसके अंदर, ठीक है ना, तो कितना पानी मिला है ताकि अनुपात क्या हो जाए, अनुपात जो हो जाए आपका 1:2 आ जाए। देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, देखो 1:2 लाना है, इसका मतलब ये तो 1 है, ये 37.5 है। अब इसका दुगुना कितना होगा 37.5 का, तो 37.5 का दुगुना हो जाएगा क्योंकि ये 1 है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से किया देखो, इसको 37.5 उसको दुगुना करेंगे कितना आएगा, लगभग 75 आ जाएगा। तो इसका मतलब 75 अपन को पानी लेकर आना पड़ेगा कैसे करके, तो पहले 22.5 था अब 75 हो गया, तो आंसर कितना आएगा, कितना अपने डाला, तो सिंपल सा है 75 में से 22.5 माइनस कर देंगे आपका बच जाएगा 52.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते हो, इसको ऑप्शन से कीजिए तो ऑप्शन से और जल्दी हो जाएंगे, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो दोस्तों, आपको दिया हुआ ये क्वेश्चन भी दोस्तों आजकल आरएस के पैटर्न में बहुत देखा गया है। मैं इसकी बहुत अच्छी ट्रिक बताता हूँ आपको, सारे क्वेश्चन आपसे इस टाइप के क्वेश्चन तो कभी आपके गलत होंगे ही नहीं, ध्यान रखना। इसको दिया हुआ P+Q R+S और आपको दिया हुआ सभी धनात्मक संख्या है। दोस्तों सबसे पहले देखो इनमें क्या करना है, आप बहुत आराम से कर सकते हो। सबसे पहले देखो कि इन दोनों के अंदर देखना ग्रेटर देन के अंदर कौन रिपीट हो रहा है। तो देखो यहाँ पर इस वाले में भी क्यू है, इस वाले में क्यू है, तो एक काम करो, देखो आप क्या करोगे, दोनों तरफ क्यू है ना, तो आप क्यू की वैल्यू ले लो कोई भी। अब वैल्यू भी इस टाइप से लेनी है, 1, 2, 3, 4 नहीं लानी है, एक की बड़ी ले लो 5 ले लो, और फिर आप आर की ले लो, मान लो आर की ले ली आपने 2 ले ली, और पी की आपने 1 ले ली, और एस की आपने 3 ले ली। अब देखो पहला वाला समीकरण देखो, समीकरण भी संतुष्ट करना चाहिए, क्या क्यू आपने जो संख्या ली है उसके लिए संतुष्ट कर रहा है। देखो क्यू की वैल्यू आपने 5 ली, आर की वैल्यू 2 ली, पी की वैल्यू 1 ली, ये 3 ली, बिल्कुल सही है। अच्छा नेक्स्ट वाला देखते हैं P+Q, भाई P+Q करने पर P+Q P की वैल्यू 1 है, Q की वैल्यू 5 है, क्या वो R+S से ज़्यादा है, तो R की 2 है 3 है, बिल्कुल ज़्यादा है। इसका मतलब आपने संख्या बिल्कुल करेक्ट ले ली है, इसका मतलब करेक्ट ले ली। अब आराम से आप चारों ऑप्शन में देख सकते हो कि कौन सा, भाई आपका सिंपल सा बात है ए ऑप्शन ही देख लीजिए, Q जो है वो S से बड़ा है बिल्कुल, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर इज द राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप दोस्तों
आराम से इसका क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अट क्यों रहे ये। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, किसी वर्ष इना की, देखो इना की आयु की संख्या का वर्ग भी तथा आगामी वर्ष में की संख्या घन रही है, तो आगे आने वाले कम से कम कितने वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा उसकी आयु पुनः। ठीक है तो देखो दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये सोचिए कि भाई इना, अब देखो इन सवालों में थोड़ा लॉजिक भी लगाइए। देखो किसी की उम्र 100 से ज़्यादा हो नहीं सकती है, किसी की उम्र 1 तो हो नहीं सकती है। अब देखो 1 और 100 के बीच में कब वर्ग कब कब आता है भाई? 4 आता है, 9 आता है, 16 आता है, 25 आता है, 36 आता है, 49 आता है, 64 आता है, 81 आता है और 100 आता है। 100 से, अब देखो 100 भी होता नहीं जनरली, देखो उम्र है तो इसके बीच में कहीं होगी। तो आप कोई भी एक पकड़ लीजिए। अब इसने सवाल क्या दिया हुआ कि भाई किस संख्या का, अभी उसकी आयु जो है वो किसी संख्या का वर्ग है और अगले साल क्या हो जाएगी, किस संख्या का वर्ग थे तो आगे में वर्ष में। ठीक है पिछले वर्ष, इसका मतलब क्या हुआ? देखो आप थोड़ा दिमाग लगाओगे ना भाई, घन भी आना चाहिए ये भी आना चाहिए। तो आप ये सोचिए कि भाई मान लो उसकी 26 साल उम्र थी, तो उससे 1 कम किया आपने कितना हुआ 25 साल। क्या वर्ग है? बिल्कुल। 26 के बाद 27 लिया, क्या घन है? बिल्कुल सही है, इसका मतलब 26 इज़ द राइट आंसर। अब देखो आप ये भी सोच सकते हो, चल सर 65 क्यों नहीं लिया आपने, 65 में भी आ जाता, लेकिन 65 से देखो 66 जाते तो नहीं होता, तो सिर्फ एक ये ऑप्शन बचता है कि 26 साल उसकी उम्र होगी। अब देखो क्या बोला है, देखो अब अपने का ऑप्शन सेट हो गया। अब वो बोलेगा कम से कम कितने वर्ष का इंतजार करना चाहिए कि उसकी आयु पुनः की संख्या का, तो देखो 26 को, देखो 26 को क्या है भाई, सिंपल सी बात है, इसको कि संख्या का वर्ग वापस करना है, इसका मतलब क्या होना चाहिए भाई, 36 हो जाना चाहिए अभी इसकी उम्र, तो कितने साल और वेट करना पड़ेगा, 10 साल और वेट करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 साल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों क्लियर, चलें दोस्तों आगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब, और मुझे बिल्कुल बताइए, मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। संख्या जिसके लिए एन स्क्वायर, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ठीक है काफ़ी दिनों से नहीं हुआ था जब ये क्वेश्चन आया था, तो सबसे पहले इसकी बेसिक अपन पकड़ते हैं कि क्या ये किस तरीके से किया जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं इसमें अच्छे से कंसेप्ट बताता हूँ आपको, ये कंसेप्ट आपको दूसरे क्वेश्चन करने में भी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूँ 1 का स्क्वायर करने पर 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर प्रथम अंक 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, फिर 25 आएगा, फिर 36 आएगा, फिर 9 आएगा 49, और फिर 49 के बाद में फिर आपका 8 आठ 64 आएगा, फिर 64 के बाद में 81 आएगा और फिर 100 आएगा। इसका मतलब दोस्तों आप देख सकते हो कि भाई किसी संख्या का वर्ग करने पर, किस संख्या का वर्ग करने पर मेरे पास जो संख्या मिलती है मुझे या तो 0 मिलती है या 1 मिलती है, 2 नहीं मिलता, 3 नहीं मिलता, 4 मिलता है, 5 भी मिलता है, 6 भी मिलता है, 7 नहीं मिलता, 8 नहीं मिलता, 9 मिलता है। मतलब सिर्फ ये किस संख्या का वर्ग करने पर मुझे ये सब संख्या मिलती है। अब आपको पूछा एन के पूर्णांक मानों की संख्या है। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, पूर्णांक मान भी क्या होता है सुन लेना पहले। पूर्णांक मतलब होता है दोस्तों ऐसे मान जो ऋणात्मक भी जा सकते हैं, धनात्मक भी जा सकते हैं। मतलब अगर इसका उत्तर पूर्ण पूछा होता तो पूर्ण के अंदर सिर्फ 0, 1, 2, 3 ये सब आते हैं, लेकिन पूर्णांक में ऋणात्मक भी जा सकते हैं। तो अब दोस्तों देखो, अब मेरी बात ध्यान सुनना, अब अपन को एन के मान पूछे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं एन का मान, अगर मैं एन का मान अगर 0 रखता तो यहाँ पर क्या होता, तो 0 रखने पर क्या होता, n² + 48। तो ये अगर 0 होता तो 0 में क्या होता, इसका प्राथमिक अंक जुड़ता 8, लेकिन 8 कभी भी किस संख्या के वर्ग में अंदर 8 कभी नहीं आता है, तो 0 ऑप्शन हटाओ। उसके बाद में अगर n बराबर 1 रखता तो बिल्कुल 1 और 8 कितना होता 9, 9 जबकि 9 इसके अंदर दिया हुआ है, देखो दोस्तों 9 यहाँ दिया हुआ है, इसका मतलब 9 तो संभव है। तो n बराबर 1 पर वैसे भी ये 49 दे रहा है, n² + 48 का मान वैसे भी 49 आ रहा है, इसका मतलब n का मान 1 भी सही है और -1 भी चाहिए, यहाँ गलती होगी, दोनों मान लेने पड़ेंगे। अच्छा इसके बाद में मैं n का मान 2 लेता तो यहाँ पर क्या होता, 2 लेने पर क्या होता है n² + 48 जो दिया हुआ है, अगर मैं 2 लेता तो ये 4 आता और 4 और 8 कितना तो 2 नहीं हो पाता। एन का मान 3 लेता तो ये 9 होता, एन का मान लेता तो ये 9 होता और 9 और ये 8 17 फिर नहीं होता। एन का मान फिर मैं 4 लेता, 4 लेने पर हो जाता तो एन का मान 4 कब आता, जब 2 और -2 तो ये संख्या 2 होगी। इसी भाई से 5 लेता तो 25 और 8 13 नहीं आता, 6 पे नहीं आता, 7 पे नहीं आता, सीधा देखिए 9 पर आता, 9 पर क्या होता 81, 9 पर ये होता 81 81 और 8 9, इसका मतलब 9 आ सकता है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक मान और ज़्यादा आएगा जिस पर क्या होगा ये, तो ये 9 आगे कुछ भी हो लेकिन ये 9 जरूर देगा, ये 9 + 9 - 9, इसका मतलब क्या हुआ टोटल मिलाकर ये 6 मान आपके पूर्ण वर्ग देंगे। अब नोट कर लीजिए, चलिए दोस्तों ये वाला देख लीजिए दोस्तों आपने, चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, चलिए अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है दोस्तों बीसी का समांतर माध्य एम बढ़ाती है, दोस्तों इसको इसका क्वेश्चन फटाफट करना, और अपन को एक कंडीशन भी दी हुई है। ऐसा सवाल दोस्तों
अपन ऑप्शन से करते हैं, या ऑप्शन से या वैल्यू पुटअप करके करते हैं। तो आप मान लीजिए, देखो यहाँ पर बी की वैल्यू 2 ले लीजिए, सी की वैल्यू 3 ले लीजिए। जब आप ये वैल्यू इसमें रखोगे दोस्तों, तो आपको ए की वैल्यू मिलेगी -6/5। अब आपको सवाल क्या दिया हुआ है, आपको सवाल दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस ए बी सी का समांतर माध्य है। तो फटाफट इसका समांतर माध्य निकाल दीजिए। समांतर माध्य क्या होता है, राशि का योग बट्टा 3। बराबर क्या दिया हुआ आपको, एम बटा 3, ये 3 से 3 कट गया, तो एम का मान आ जाएगा आपका 19/5 सरल करने पर। अब आपको पूछा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का माध्य कितना होगा, तो उसको फटाफट आप करोगे तो ए स्क्वायर कितना होगा 36/25, बी स्क्वायर 4, ये 9 और ये बटा 3। इसको सरल करने पर दोस्तों आपके पास आएगा 361/25 इंटू 3। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं 19/5 का स्क्वायर और गुणा 1/3। और अपन को उत्तर जो है एम के पदों में दिया था, और इसका मान क्या है, ये एम है, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर बटा 3। तो इस तरीके से तो दोस्तों ध्यान रखें, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप ऑप्शन के हिसाब से कीजिएगा, आपका 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, बहुभुज का सवाल। देखो दोस्तों बहुभुज के अंदर एक फॉर्मूला याद रखना कि इसका कोण का योग 180 होता है, वो कैसा आता है, वो आता है 2n-4 × 90°। ये फॉर्मूला अंतःकोणों का योग। अच्छा दोस्तों इसमें एक चीज़ याद, जैसे मान लो संभव त्रिभुज होता तो ये 60 होता, और ये इसका बाहरी कोण कितना होता है, 120 होता। तो अगर बाहरी कोण निकालना हो, अगर आंतरिक कोण पता हो तो 180 में से घटा देते हैं। ठीक है, आंतरिक कोण और बाहरी कोण का योग 180 होता है। तो अब अपन क्या करना है, देखो जैसे कि अपन मान लेते, पहला ऑप्शन लेते हैं 6, तो इसका योग कितना आता, इसका आ जाता 2 × n कितना है 6, n मतलब भुजा की संख्या, 90, तो ये आता आपका 720। और 720 में अगर मैं 6 भुजाओं का भाग देता तो मेरे पास प्रत्येक कोण कितना आता 120। अगर प्रत्येक अंतर कोण 120 से है तो बाहरी कोण कितना होता 60। तो अनुपात इन दोनों का 2:1 आ रहा है, मतलब बात बनी नहीं। अब देखो सीधा ले लीजिए आप 10 ले लीजिए, 10 में कितना आता आपका अंतर कोणों का योग कितना आता, फॉर्मूला वही लगा रहा हूँ मैं, कौन सा, ये वाला। तो इस बार मेरे पास आता 1440, और 10 का भाग, क्योंकि भुजा 10 है तो 10 का भाग देता तो प्रत्येक कोण कितना आता 144। तो अगर आंतरिक कोण 144 है तो बाहरी कोण कितना होता 36। अभी भी अनुपात आ रहा है वो 4:1 आ रहा है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा डी, मतलब 12 इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, जब भी आपको साथ साथ कभी ऑप्शन, जैसे ये आता है क्वेश्चन दोस्तों कि दो लड़के हैं, वो 8, एक 8 चल रहा है, 6 चल रहा है, वापस कब साथ साथ मिलेंगे, तो लसभ निकाल देते हैं। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला विद्युत यंत्र 60 सेकंड में जाता है, दूसरा तो 60 और 62 का आप लसभ निकाल लीजिए। तो इसका लसभ जो आएगा, पहले 2 किया 30, 31 और फिर 30 आ जाएगा, ये 1 और ये 31 और फिर 31 से कर देंगे, तो आपका लसभ आ गया 2 × 30 × 31। इसको मिनट में चेंज करना है तो 60 से भाग कर दीजिए, ये आ गया 31 मिनट में वापस मिलेंगे, वापस एक साथ बजेंगे, तो पहला टाइम था 10, तो अब हो जाएगा 10/31। इस तरीके से ये सवाल करना है टोटल। ठीक है दोस्तों, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स और वाई, तो इसमें क्या दोस्तों, देखो सबसे पहले देखो इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ, एक्स और वाई का डिफरेंस दिया हुआ आपको 9 दिया हुआ है। तो देखो सबसे पहले तो ऑप्शन देखा करो दोस्तों, डी ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो डी में ऑप्शन के अंदर जो अंतर है 43 और 30 का, वो 13 है। तो पहला तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया। ऐसा कई बार क्या होता है कि अपने ऑप्शन गलत होने से भी ऑप्शन अपन एलिमिनेट करते रहते तो अपना आंसर आ जाता है। अब इसमें सब अगर मैं 42 और 33 लेता हूँ तो इसका अंतर 9 है बिल्कुल, और इन दोनों का योग करता हूँ तो कितना आएगा 75। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई जो एक्स वाला है वो उसका 56% है। तो आप देखो दोस्तों नोटिस करोगे, अगर 75 का आप 56% निकालोगे ना तो 42 ही आएगा, इसका मतलब बिल्कुल आंसर कौन सा राइट होगा, सी आंसर राइट होगा। दोस्तों ये आपने सवाल डिस्कस कर दिए, ठीक है आरएस के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से वीडियो या आपको एक बेसिक मैथ्स का पूरा एक आइडिया दूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, क्योंकि 5 तारीख का एग्ज़ाम है। तो आप मुझे आज कमेंट करेंगे तो मैं आपको कल और परसों 2 दिन के अंदर आपके बहुत अच्छी वीडियो लिखा दूँगा। ठीक है दोस्तों,